जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सुरनकोट के बेहरम गला में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पिछली 9 तारीख को हुए रियासी आतंकी हमले के बाद से ही सेना और पुलिस के जवान द्वारा खोजी अभियान चलाया जा रहा है। सुरनकोट के बेहरम गला में दोनों के बीच 5 मिनट तक गोलीबारी हुई, उसके बाद आतंकी की तरफ से फायरिंग बंद हो गई। मौजूदा समय में पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी है। कठुआ जिले के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध देखे जाने की सूचनाएं लगातार आ रही है। ऐसी ही एक सूचना बीते सोमवार को बरनोटी इलाके में मिली। इसके बाद कठुआ पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में छानबीन की। हालांकि इस दौरान कुछ भी हाथ नहीं लगा। उधर महिला का दावा है कि उसने अपने घर के नजदीक छिपे एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। उसके हाथ में तेज धार हथियार था और उसने महिला को घूर कर भी देखा। डरी हुई महिला घर के भीतर आ गई और आसपास के लोगों को सूचित किया। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से कई तीखे सवाल किए। अदालत ने कहा कि अगर नीट परीक्षा में 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे निपटा जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA को नोटिस जारी किया है। मेडिकल की इस परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं की मेहनत पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को विरोधात्मक भाव से नहीं देखा जाना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों और तस्करों के बीच गठजोड़ को तोड़ने के लिए सख्त कदमों की घोषणा की है। भगवंत मान ने कहा कि जो भी पुलिस अधिकारी नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल पाया जाएगा उसे सेवा से बर्खास्त किया जाएगा और तस्करों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए 10,000 और पुलिस कर्मियों की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब में भारी मात्रा में ड्रग्स और नकदी जब्त की गई। हमारे पास पूरी जानकारी है। वहीं पंजाब में फैले ड्रग्स कारोबार का साया जम्मू कश्मीर में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खातों में कुल 20,000 करोड़ की राशि को DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया। ताइवान के उप विदेश मंत्री TN जुंग क्वांग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ताइवान के राष्ट्रपति के बीच संदेशों के आदान प्रदान पर चीन की ओर से आपत्ति जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मोदी जी और हमारे राष्ट्रपति भयभीत नहीं होंगे। व्यापार और संस्कृति के संदर्भ में भारत और ताइवान के बीच संबंधों पर बोलते हुए उप विदेश मंत्री TN जुंग क्वांग ने कहा कि ताइवान में पढ़ने वाले बहुत से भारतीय छात्र भारत में हमारे व्यवसायों का नेतृत्व करेंगे। ये पहले से ही हो रहा है। जो ताइवान में अध्ययन करना चाहते हैं उनका स्वागत है। भाजपा की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए चुनावी प्रभारी घोषित किए जाने के बाद राजनीतिक दलों की ओर से अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां अगले कुछ दिनों में शुरू होने की संभावना प्रबल हो गई है। जम्मू कश्मीर की आवाम को लगभग 10 साल के लंबे अंतराल पर चुनाव और 6 साल बाद नई सरकार मिलने की आस बंध गई है। जून 2018 में भाजपा के समर्थन वापस लेने से PDP भाजपा गठबंधन सरकार गिर गई थी। तब से यहां कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। जम्मू संभाग में विधानसभा की 43 सीटें हैं जबकि कश्मीर में 47 सीटें हैं। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा को 43 में से 14 पर हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा की जीत में रजौरी पुंछ की निर्णायक भूमिका होगी। यहां पहाड़ियों की आबादी अच्छी खासी है। पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर भाजपा ने उनकी लंबी मांग को पूरा किया था।